लाइव टुडे की मुहिम एक जीवन ऐसा भी में हम आपको लगातार गरीबों का दर्द सुना रहे हैं, बेबसी की तस्वीर दिखा रहे हैं। और आज के इस एपिसोड में हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसे शख्स से जो मिट्टी से चीजों को बनाता है और उसको रंग भरता है, लेकिन शायद वो अपनी ही जीवन में रंग नहीं भर पाया। आइए जानते हैं उनसे जिंदगी के बारे में, उनके कि कैसे वो अपना घर चलाते हैं। जी क्या नाम है आपका? हमारा नाम रहमान। कब से आप ये काम कर रहे हैं? ये हमारा इसमें बचपना कट गया है। और जी सर, हम बहुत गरीब भी हैं और हमारे घर द्वार भी नहीं, हमारे बचपना में मेरे माँ बाप भी ख़त्म हो गए थे और मैं ये काम शुरू से ही पकड़ लिया है। और जो है बच्चों को जो अभी पढ़ा नहीं पाते हैं, पैसा के लिए पढ़ा नहीं पाते हैं, दूसरे के घर में पढ़ाते हैं, नाम भी नहीं लिखा पाते हैं, यही सब काम मेरा है। और मेरे माँ बाप जो हैं, बचपने में हम छोटे छोटे थे तो हमारे माँ बाप जो घर बेच के बहन का शादी भी कर दिया था, तो इसीलिए हम रोड पे पड़े हैं या इसीलिए ये धंधा भी करे हैं। अब हम बाहर से समझ लो यहाँ के पड़े हैं, समझ लो मेरे घर कुरिया नहीं है। कितने साल से आप ये काम करते हैं? ये काम हमारा हो गया लगभग, अरे इसको जो है हम लगभग 20-20 साल से काम चालू करते हैं, यानी बचपने से ये काम हम पकड़े हैं। कितना कमा लेते हैं रात? अरे काम इसमें ज़्यादा नहीं हो पाता, इसमें बहुत है तो 100-200 रुपए काम हो जाता है। अरे घाम नहीं भाई तो ये काम नहीं होगा, और घाम अगर हो गई तो काम चालू है, और नहीं घाम है तो आराम से बैठे हैं, फिर खर्चा कबड़ी तो कुआई हो जाती है। बात ये है अब पानी नहीं बरस गया तो काम नहीं कर पाते हैं, नहीं पानी बरसा है तो काम थोड़ा बहुत तक काम करें, और इसके बाद में अभी जो समझ में होगा करेंगे। मिट्टी कहाँ से लाते हैं? काम मिट्टी यहाँ से लाते हैं, तालाब से, तो यहीं से लाते हैं, उसको गोदते हैं, बनाते हैं, बड़ी मेहनत उसमें भी है, छेते हैं, बनाते हैं, अब उसको चाक पे लाते हैं मिट्टी, उसके बाद में लगाते हैं, लगा के होटल पे ले जाते हैं, तब ये 40 रुपया 100 होटल वाले लेते हैं। कैसे ही, कितना आसान है ये काम की मुश्किल है? कैसे करते वक्त कभी हाथ भी कट जाता होगा? नहीं ये सब ये कट जाते हैं, ये चुंगलियाँ जो है बारिश में कट जाते हैं, जैसे गिट्टी पड़ जाते हैं तो उंगली कट जाते हैं, ये बात है, और ये सब कट जाते हैं। और ज़्यादा मेहनत तो इमा है ये मिट्टी में, एक चक्कर वहाँ मोड़ से तालाब से मिट्टी पानी निकालते हैं, मिट्टी पानी निकाल के बाद में ऊपर लाते हैं, ऊपर ला के तब यहाँ लाते हैं, ला के तब इसको बनाते हैं मिट्टी, तब यहाँ पे ला के बना दे, तब बना के तो सुखवा के तब लेके जाते हैं होटल पे। इतनी मेहनत आप करते हैं, जब होटल में जाते हैं तो कितना पैसा मिलता है? अरे इसको जैसे अब अरे जैसे 2000 कुछ है तो मैंने यूँ समझ लो कि 700-800 रुपये मिल जाता है, और 2000 कुज्जी बनाने में टाइम लगता है। अभी 2000 कुज्जी, अभी 500 कुज्जी नहीं बनी, 200 कुज्जी बहुत बनी होगी, 200 कुज्जी, अब 2000 कुज्जी 8 दिन में बनेंगे, 8-9 दिन में, 10 दिन में तैयार होती है। भाई इससे देख सकते हैं कि किस तरह ये इस काम में लगे हुए हैं, और यही नहीं इनका पूरा परिवार इसी काम में लगा हुआ है। यही छोटे से ये झोपड़ी बना के, झोपड़ी भी नहीं तिरपाल लगा के यहाँ रहते हैं और बारिश धूप सब सहते हैं। ये भी नहीं पढ़ पाए और इसी चक्कर में ये अपने बच्चों को भी नहीं पढ़ा पाए। कहते हैं पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, पर यहाँ तो गरीबी के कारण बच्चे पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे में हम कैसे देख पाएंगे बदलते हिंदुस्तान की बदलती तस्वीर? आज के लिए बस इतना ही, कल हम फिर आएंगे एक नए जीवन के साथ, एक नए संघर्ष के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टुडे। वीडियो जर्नलिस्ट ऋषि के साथ शालू अवस्थी, लाइव टुडे, लखनऊ।